अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद शफीक हाजिर खिदमत है। एक मरतबा फिर कुछ अरसे के बाद ही वीडियो में बना रहा हूँ, तो जो लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जो नए अभी फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, जानने वालों से इसको शेयर करें। हो सकता है आपका या अगले किसी आपके दोस्त का, फ्रेंड का फ़ायदा हो जाए। तो बहुत सारी न्यूज़ हैं अभी। सबसे पहले तो शेंजन कंट्री में इजाफा हुआ है, जिस तरह के पिछले साल एक कंट्री को, चेक रिपब्लिक को ऐड करके 26 से 27 कंट्री हो गए थे, इस बार उन्होंने दो कंट्रीज़ को मौका दिया है जिसमें बल्गारिया है और रोमानिया शामिल है। तो अभी टोटल इनकी तादाद बढ़कर 29 हो गई है, जो कि यहाँ से जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा है कि वो एक ही वीज़ा के ऊपर तकरीबन 29 कंट्री का विज़िट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर एक मुल्क में नहीं तो दूसरे में, तीसरे में, किसी में भी जाके कोई अपनी जॉब वगैरह ढूँढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपनी रोटी रोज़ी कमा सकते हैं। और वही बात है कि यहाँ से मूव करें, चाहे वो आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, श्रीलंका से हैं, जिनका तो वेल सेटल्ड कारोबार हैं ऑलरेडी, उनको तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन जिनके पास रोज़गार नहीं है और इतना कम से कम उनके पास बैलेंस अवेलेबल है कि वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं लीगल तरीके से, यूरोप के किसी कंट्री में जाएँ, वहाँ पर अपना सेट होने की कोशिश करें। उससे बड़ी जो एक प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो गई है यूरोप में, जो कि सबकी पहले एक कह लें कि मंजिल आसान लगती थी सबको, जो कि पुर्तगाल था। अभी पुर्तगाल का जो आर्टिकल 89 और 90 में जा के सब लोग अपना फाइल को लॉक करवाते थे, उसके बाद अपने 6 टैक्सेस या इलीगल लोग जो हैं वो 12 टैक्सेस पे करके तो अपने वीज़े का प्रोसेस आगे शुरू करवाते थे, TRC वगैरह उनको मिल जाती थी, फिर 5 साल के लिए या 5 साल के बाद उनको वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और अचानक लिया, जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था, और किसी न्यूज़कास्टर ने, किसी एजेंसी वाले ने, किसी इस तरह के बंदे ने जो इससे रिलेटेड हैं, मैं किसी से कोई ये न्यूज़ नहीं सुनी थी, एक्सपेक्ट भी कोई नहीं कर रहा था कि 1 माह बाद 2 माह बाद या 6 माह बाद ये चीज़ हो जाएगी। तो उसी दिन उन्होंने डिसीजन किया, शायद पहले से उनकी ये न्यूज़ इंटरनल बेस पे चल रही होगी, तो सडनली उन्होंने वो पार्लियामेंट ने जो है वो कानून पास किया है और प्रेसिडेंट ने भी उस पर साइन कर दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है। और बहुत सारे लोग वहाँ पे जो मौजूद थे बेचारे, फाइल को लॉक करवाने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे, वो कह लें कि उनकी आस उम्मीद जो है वो टूट गई है, और एक किस्म का कह लें कि एक दर बंद है तो 100 दर खुला है। तो उनके लिए ये हो गया है कि वो आगे जर्मनी मूव कर सकते हैं, बल्कि कर गए हैं, फ्रांस में या इटली में या उससे और रिलेटेड कंट्री जो भी हैं, क्योंकि उनका मेन मिशन में जो पुर्तगाल में रह के था वो डॉक्यूमेंट रिसीव करना था कि लीगल रह के कम से कम किस तरह जो है वो TRC मिल जाए, उसके बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लें। लेकिन पेमेंट तो वहाँ पर आपको पता बहुत कम है, सैलरी कम है, लेकिन इससे ये उनको फ़ायदा हो जाएगा कि वहाँ पे फ्रांस में जाके अपना जो है अच्छा कारोबार कर सकते हैं, मतलब मेहनत मजदूरी चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो उनकी आमदन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। बाकी केस तो कुछ लोगों के पास हो जाएंगे, कुछ लोगों के रिजेक्ट हो जाएंगे, ये तो सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। तो पाकिस्तान का भी इशू, उसमें वज़ीर दाखिला नकवी साहब ने भी अपना जो है वो जलती पे किया है, तेल डालने वाली बात की है, ऑलरेडी वो लोग इतनी बड़ी ट्रबल में हैं जो वहाँ पे बेचारे बैठे हैं, और ऊपर से जो पाकिस्तान का पासपोर्ट उसको रीन्यू करना और कुछ लोगों को जो नया बनवाना था वो बंद कर दिया है, अभी नया पासपोर्ट जारी नहीं होगा और ना रीन्यू होगा। और ये भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी, कम से कम लोग वापस आ सकते थे और उनके पास एक राइट था, एक उनके के जब भी वो चाहें अपने कंट्री में वापस आ सकते हैं, लेकिन ये रास्ता भी अभी बंद हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वाला जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बंद नहीं रह सकता, इंशाल्लाह वेरी सून जो गवर्नमेंट है वो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको, इस कानून को जो है वो पैक करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि जो लोग आउट कंट्री में जिधर जिधर भी बैठे हैं, इस गवर्नमेंट को उनको ऑन करना पड़ेगा, या फिर
इस काबिल ये गवर्नमेंट को होना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको वो अश्योर करवाए कि आप लोग वापस आएँ, हम आपको जॉब देंगे 50,000 की, 60,000 की, 1,00,000 की, कम से कम इतनी ये जॉब्स दे सकते हैं, कभी भी नहीं। तो ये लाजमी बात है, बड़े लेवल पे उम्मीद है ये जाएगा और ये रूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जल्द ही लोग पहले की तरह अपना पासपोर्ट जो है वो रीन्यू भी करवाएंगे और उसको नया जिसको बनवाना है वो भी बनवा सकता है। तो जो दोस्त अभी भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करें, रोमानिया के लिए, बल्गारिया के लिए, क्योंकि यही दो कंट्री अभी तक वीज़ा इशू कर रहे हैं, काफ़ी इशू कर रहे हैं, ये वर्क परमिट कर रहे हैं। और बाकी इटली है और स्वीडन है और इसी तरह जर्मनी का काफ़ी जो विज़िट वीज़ा है, शेंजन वीज़ा है, उसके लिए काफ़ी बड़ा है। इसी तरह क्रोशिया के वीज़े काफ़ी लग रहे हैं। और तो जिसका भी जो भी जो जिस जगह पे आप जाते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक लाइन है, अपने अपने उसके रिलेशन है, कॉन्टेक्ट है आगे दूसरे कंट्रीज़ में, तो वहाँ से उनको आस उम्मीद होती है, तभी वो उस पर काम करते हैं। तो विज़िट वीज़े वाले भी जो है वो ट्राई करें और जो वर्क परमिट पर जा सकते हैं वो भी ट्राई करें, बल्गारिया और रोमानिया, अगर और किसी कंट्री का मिलता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये कानून जो है वो परमानेंट कोई भी नहीं होता, ये चेंज होते रहते हैं। तो इंशाल्लाह आप अपनी लक को ज़रूर आजमाएं और यूरोप जाएं, अपने लिए भी कमाएं और अपनी फैमिली के लिए भी। तो अल्लाह ताला आपका हम युनासर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।